प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ठीक है। तो उसमें जो है आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। इसमें मैंने दोस्तों पहले बता दूं मैं आपको कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने चुनाव किया है और उस प्रश्न से संबंधित मैं आपको और भी थोड़ी सी जानकारियाँ दूंगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया है हमारा 10 फरवरी को, और इसको जो मनाता कौन है, इसको UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको मनाता है। उसके अलावा दलहन से संबंधित एक और छोटा सा प्रश्न है कि यूएनओ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था? तो वर्ष 2016 को, ठीक है, वर्ष 2016 को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था। ये तो आपका IAS का पेपर रहा, ठीक है। IAS की परीक्षा में आपसे ये सवाल पूछा गया था, जिन्होंने IAS की परीक्षा दी होगी उनसे सवाल पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष यूएनओ ने घोषित किया है 2016, ठीक है। तो क्यों घोषित किया है? तो उसमें मुख्य रूप से दलहन, सबसे पहली बात तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है, और दूसरी बात उसकी जड़ों में राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण करता है, ठीक है। इससे ही संबंधित यानी दलहन से संबंधित और राइबोजियम जीवाणु से संबंधित एक प्रश्न आपका UPTET की 2020 की परीक्षा में भी आया था, यानी जो हमारा 8 जनवरी को एग्जाम हुआ था। तो ये तो रहा पहले प्रश्न संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। हाल ही में ढाका आर्ट सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ के संस्कृति मिनिस्टर हैं KM खालिद, तो इन्होंने जो है 5वें संस्करण का इनका उद्घाटन किया है। बांग्लादेश में ये उद्घाटन हुआ है, ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी ही है हमारी ढाका, वहाँ की मुद्रा है टका। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर अगर आप प्रश्न ही पढ़ लेंगे तो आपको उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि हाल ही में पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव, ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। अगला सवाल आते हैं कि हाल ही में रोजर कहन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो थे हमारे अमेरिका के लेखक। और अगला प्रश्न दोस्तों, आप सभी जानते होंगे हाल ही में अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है? तो ये जीता है हमारा बांग्लादेश ने। अगला सवाल, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए $2 मिलियन की निधि को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मनीला में, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। मनीला जो है फिलीपींस में का एक शहर है। अगला सवाल है कि हाल ही में 2 दिवसीय हॉर्नबिल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों हॉर्नबिल एक पक्षी होता है और इसीलिए जो है ये उत्सव आयोजित किया गया है, ये आयोजित किया गया है हमारा त्रिपुरा में। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उड़ान के तहत हेली सेवा की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड, हेली सेवा यानी कि हेलीकॉप्टर सेवा। अगला सवाल है कि हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंका कुआ पर पहुंचने वाली सबसे छोटी उम्र की लड़की कौन बनी है? तो अभी काम्या कार्तिकेयन, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एका कुआं पर पहुंचने वाली सबसे छोटी उम्र की लड़की बनी है, ठीक है। आपसे इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कितनी ऊंचाई की है या फिर कौन सी है? तो माउंट एकांका कुआ, ठीक है, यह है 6,962 मीटर की। अगला सवाल है कि हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है दोस्तों हरियाणा ने। अगला सवाल, हाल ही में हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है इंदौर में, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, और ये उद्घाटन किया है हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। सबसे आखिरी सवाल है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो दोस्तों सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं हमारे विराट कोहली, और दूसरे नंबर पर हैं हमारे अक्षय कुमार, ठीक है, दूसरे नंबर पर हैं हमारे अक्षय कुमार, और तीसरे नंबर पर हैं हमारे रणवीर सिंह। तो दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो हुआ समाप्त।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।